ऋषि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी। कान्हा की नगरी बन रही राजनीति का केंद्र, सियासी गलियारे में हो रही मथुरा की चर्चा, संघ भाजपा सपा और कांग्रेस की सक्रियता ने बढ़ाई हलचल, काशी विश्वनाथ में दिव्य धाम और अयोध्या में भव्य मंदिर बनने के बाद अब कान्हा की नगरी राजनीति का नया केंद्र बन रही है। काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी का नारा भी बड़ी तेजी से गूंज रहा है। संघ भाजपा सपा और कांग्रेस के यहाँ बड़े आयोजनों ने काफी कुछ संकेत दे दिए हैं। पीएम मोदी के दर्शनों के बाद मथुरा हुई चर्च, सीएम योगी ने ब्रज तीर्थ विकास का किया गठन, श्री कृष्ण जन्म स्थान के क्षेत्र को घोषित किया तीर्थ, भाजपा राजनीतिक रूप से भी हुई मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान्हा के दर्शन के बाद मथुरा की गूंज चारों ओर हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन कर चर्चा को और हवा दे दी है। श्री कृष्ण जन्म स्थान के 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाले क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र घोषित करने के साथ ही गोवर्धन वृंदावन, गोकुल महावन, बरसाना बलदेव को भी तीर्थ घोषित कर दिया। ये राजनीतिक रूप से खुद को मजबूत करने की दिशा में भाजपा की पहल थी। मथुरा में नजर आने लगा विकास। लाइट एंड साउंड शो से दिखाई जा रही कान्हा की लीलाएं, लठमार होली को मिला राजनीतिक दर्जा, बांके बिहारी मंदिर और यमुना एक्सप्रेस ने लिखी विकास की गाथा। ब्रिज तीर्थ विकास परिषद के बाद यहाँ विकास दिखने लगा। लाइट एंड साउंड शो के जरिए कान्हा की लीलाएं श्रद्धालुओं को दिखाई गई, वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भव्य रूप दिया गया। बरसाना की लठमार होली को राजकीय दर्जा मिला। कभी कांग्रेस और रालोद का मजबूत गढ़ रहे मथुरा में अब कमल दल का दबदबा है। 2017 के चुनाव में 5 में से 4 विधानसभा सीटें भाजपा ने जीती तो 2022 में 5 उसकी झोली में आ गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 30 से अधिक बार मथुरा आ चुके हैं। ऐसे में काशी और अयोध्या के बाद मथुरा बारी आना तय माना जा रहा है।